जीत की खबर आ रही है सामने। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने जीत हासिल कर ली है और ये मेरे ख्याल से पहली जीत है। बड़ी खबर है और वो भी झाड़ू जब चल रही है तब। जी, पठानकोट से पंजाब के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जीत गए हैं। अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत हाई प्रोफाइल नहीं रहते हैं, लेकिन आप देखें किस तरीके से उनकी जीत दर्ज हुई है। यहाँ पर आज परमात्मा ने, गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे, आम आदमी पार्टी पे रखा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी है। हमने तो पंजाबियों को कहा था झाड़ू चला दो, पंजाबियों ने वैक्यूम क्लीनर ही चला दिया। आज पंजाब ने यह साबित कर दिया कि उन्हें केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी की जोड़ी पसंद है और किसी पार्टी की कोई जोड़ी नहीं पसंद। इस जीत के असली हकदार पंजाब के लोग हैं, पंजाब के वो लोग जिन्होंने रिवायती पार्टियों को छोड़कर, रिवायती सियासतदानों को छोड़कर एक साफ सुथरी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना। आज आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आज पूरे देश में एक नेशनल फोर्स बन के उभरी है, एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। और आज पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाकर भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब को गले लगा लिया है। मैं पंजाब के लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते कुछ महीने इन सारी दूसरी पार्टी में हम कीचड़, केजरीवाल साहब को आतंकवादी तक कह डाला, लेकिन आज पंजाब के लोगों ने अपनी वोट की ताकत से यह साबित किया कि अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षावादी हैं, अरविंद केजरीवाल जी विकासवादी। और आज जिन लोगों ने नेगेटिव कैंपेन चलाकर हम पे कीचड़ उछाला, काले अंग्रेज से लेकर गोरे अंग्रेज तक कहा, भगवंत मान साहब को नाना प्रकार की चीजें कही, वो सारी नेगेटिव ताकतें हारी हैं। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब का पॉजिटिव एजेंडा आज जीता है। आज ये साफ नजर आता है कि जब देश का आम आदमी खड़ा होता है, किस तरीके से घरों के लोग पंजाब में ये जश्न आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पंजाब से थोड़ा अलग हटके आपको एक बार तुरंत बहुत तेजी से सबकी सीटें बताते हैं, किसको कितनी सीटें मिली हैं। यहां पर देखें 89 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 16, 90 हो गई निशांत, 90 हो चुकी है। अब ये अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरीके से जीत है। शिरोमणि अकाली दल बहुत चिंताजनक है, 7, बीजेपी 4, अदर्स 1। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, अगर हम पंजाब से आगे बढ़े, यहां पर पंजाब के बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 271 बीजेपी, ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, 122 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 4, कांग्रेस 3, अदर्स 3, ये आपके सामने आंकड़ा है। आप इसके अलावा जो हमारे पास डेटा आ रहा है उस आधार पर, जो यहां पर नोट करने वाली बात यह है, उत्तराखंड में भी बीजेपी बड़ा क्लियरली जीतती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत सर, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, अब डीमोनेटाइजेशन के बाद उस मुद्दे को बहुत उठाया गया पिछले चुनावों में,
यूपी के चुनावों में, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने कुछ नहीं किया था उसके लिहाज से, इसलिए वो एकदम फिजल आउट हो गया। इसी तरह से सेकेंड वेव के बाद मुद्दा बहुत उठाया गया कि लोगों की मौत हुई, कोरोना, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए लोगों की मेमोरी शॉर्ट लिव्ड थी। आप क्या कहेंगे इस पर सर? जब भी चुनाव हुए हैं वो सरकार बदली गई है जो महामारी के दौरान। होता क्या है कि महामारी का दुख, अवसाद और गुस्सा सरकारों पर निपटता है। यहाँ ये दोनों बातें गलत हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी, यहाँ उत्तरांचल में भी। एक दूसरा जो तथ्य है और आंकड़े हैं कि जिस भी राज्य में आपने 3 चीफ मिनिस्टर बदले, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ वो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती, वो पार्टी जिसने 3 चीफ मिनिस्टर बदले। जब आप 3 चीफ मिनिस्टर बदलते हैं तो आप स्वयं ये मान लेते हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर निकम्मा है, उसकी जगह दूसरे को बनाते हैं, वो भी निकम्मा है, उसकी जगह तीसरे को बनाते हैं। तो ये दोनों जो मिथ हैं वो इन चुनाव में टूटे हैं। मुझे लगता है जो रामकृपाल जी जो कह रहे थे, वो जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, मोदी जी का एक लाभार्थी वर्ग है, उसने इन सारे समीकरणों को ध्वस्त किया है और एक नया समीकरण बनाया। आप इसका रिफ्लेक्शन आने वाले 2 साल में कैसे देखते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि अगर यहाँ पर बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दिखाई दी बीजेपी की या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यूपी में नहीं रही तो आने वाले 2 साल वो बहुत सारे लोक कल्याण के काम करेंगे, अभी वो फिर भी टाइट फिस्ट होकर काम करेंगे, अभी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि क्योंकि उनके उनकी योजनाओं का असर है, उनकी योजनाओं से उनका जन समर्थन बढ़ रहा है और अभी 24 आने में देरी है, तो ये लोक कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, क्योंकि इन्हीं योजनाओं से और इसी कदम से आप जातियों की दीवार तोड़ सकते हैं।